पिछले एपिसोड में आपने देखा सभी सर्वाइवर्स को इंटेल मिलती है कि ये शहर 3 दिन में खत्म होने वाला है। सारे सर्वाइवर्स वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी मैक्सिम को एक इन्फेक्टेड बाइट कर लेता है और वो जख्मी हो जाता है। अब आगे बचाओ मेरे को आलोक स्काइलर, मैं आओ। ये तो मैक्सिम की आवाज है, वो जिंदा है, कहाँ है वो? अबे देखो वो रहा आग के दूसरी तरफ। मैक्सिम तुम सही हो ना? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैक्सिम मेरे को माफ करना भाई। अबे अबे आलोक ये क्या कर रहे हो? हम उसे बचा सकते हैं। देखो उसकी तरफ, अब वो नहीं बच पाएगा। अबे नहीं ऐसा मत करो यार, मुझे माफ करना मेरे भाई। चलते करो, सब पहले मैं इंस्पेक्टर बचाओ। मैक्सिम जल्दी चलो यहाँ से, सारे इन्फेक्टेड यहीं आ रहे, अपने पास बहुत कम टाइम बचा है। अपन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड होंगे, अपन को गन्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें वेपन्स मिल सकते हैं। ठीक है तो वहीं चलते हैं पहले। यहाँ तो बहुत सारे इन्फेक्टेड है, कोई बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। वेपन रूम यही पीछे ही है, चलो जल्दी चलते हैं। सारे सर्वाइवर्स वेपन उठा लेते हैं और बिना कोई टाइम खराब किए बताए हुए लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। रेडियो में जो लोकेशन बताई थी वो यही है, हमें यहीं पे आर्मंड व्हीकल ढूंढना है। चलो अंदर चलते हैं। अबे सारे साथ रहना यार, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ तो बुरा हुआ है, सारे फ्लोर पर ब्लड ही ब्लड है। अरे ये क्या है, इस पर तो रिसर्च करके इसे मॉन्स्टर बना दिया है साइंटिस्ट ने। अबे इन साइंटिस्ट ने न जाने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे आम लोकल सिविलियंस लोगों पे। ये रहा कंट्रोल रूम, यहाँ से हमें उन व्हीकल्स की लोकेशन मिल सकती है। स्काइलर जल्दी करो, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। अबे हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आलोक आलोक यहाँ दो गैराज है, यहाँ लिखा है इसे खोलना मना है। हिप्पो जल्दी से उस गैराज का एक्सेस कोड लिख लो, बत्ती बना के कान में डाल लो, काम आ सकता है। आलोक ये देखो, मुझे यहाँ एक सैटेलाइट फुटेज मिला है 3 दिन पुरानी। टाइम हो गया है, एक्सपेरिमेंट के टेस्ट के रिजल्ट आ चुके होंगे। तीनों पेशेंट्स की रिपोर्ट लेके आता हूँ। सर एक्सपेरिमेंट के बाद से ही ये पेशेंट्स अजीब हरकतें कर रहा है।
सर, ये मर चुका है। हाँ, ये टेस्ट के रिजल्ट बहुत अजीब आए, मुझे अपने हेड को इन्फॉर्म करना होगा। सर, हमें इस रिसर्च को अभी यहीं बंद करना होगा। सारे मरे हुए पेशेंट्स दोबारा जिंदा हो गए। यही तो अपना मकसद था। अपन अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हुए हैं। सर, सारे पेशेंट्स जिंदा होके अजीब हरकतें कर रहे हैं। एक के हाथ पैर टूट गए थे, उसे पेन फील ही नहीं हो रहा है, एंड उनकी हार्ट बीट जीरो है, एंड इनका ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट काम कर रहा है और उसे ये लोग चल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब डॉक्टर क्या करेंगे? क्या वो इस रिसर्च को बंद कर देंगे या पूरे शहर में उस रिसर्च को फैला देंगे? कमेंट करके बताइए आगे क्या होगा।